गाइस ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाऊंगी, तो मैंने बहुत ज्यादा साहित्य नहीं लिया है, जितना है उतना ही लिया है। और क्योंकि वो बहुत ऐसे कटोरी कटोरी भर भर के ऐसे भी लिए हमने, तो बहुत ज्यादा बन जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इतने ही लिए हैं। तो ये जैगरी लिया है और ये वालनट है, अखरोट बोलते इसको, काजू, बादाम, और ये मनुका लिया है, और ये पिस्ता है, और ये खारिक है, मैंने खारिक को तोड़ ली है, तो ये खारिक है, और घी, और ये जागरी लिया है। तो ये हम देखेंगे, अगर हमारे लड्डू बन गए अच्छे से तो हम ज्यादा नहीं लेंगे इसको, नहीं तो थोड़ा सा इसको डाल सकते हैं। तो ये बांधने का काम करती है, इसलिए मैंने जागरी इतना लिया है। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे, तो इसके लिए हमने घी लिया है। तो गाइस जैसे कि अभी विंटर लगेगा, जाड़ा लगेगा, तो इसमें ये लड्डू हमें गर्मी प्रदान करते हैं, इसीलिए ज्यादातर हम इसको जाड़े में ही खाते हैं, विंटर में ही खाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कढ़ी रख दी है, हम इसमें घी डालेंगे। तो गाइस हम घी थोड़ा ही डालेंगे इसमें, यानी आधा कटोरी घी है। इसको हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बहुत ज्यादा कलर भी नहीं चेंज करना है, वो हमें व्हाइटिश दिखे इतना ही रखना है, ऐसा लगना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा फ्राई नहीं हुए हैं। अभी हम बादाम डालेंगे, गाइस जब भी हम कोई ड्राई फ्रूट डालते हैं तो इसमें झाग आता है, तो जैसे काजू में भी ऑयल रहता है, बादाम में भी ऑयल, और हम घी में भी तलते हैं, तो ज्यादा ऑयल ऑयल होने की वजह से वो झाग आता है उसमें, तो हम निकाल देते हैं। हमें सिंपली गर्म ही करना है, बहुत ज्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। अभी हम अखरोट को तलेंगे, हमें किसी का भी कलर चेंज नहीं करना है, ये जल्दी जल्दी हो जाता है। पिस्ता वैसे रोस्टेड ही रहता है, तो हम ज्यादा नहीं इसको ये रखेंगे घी में। और घी में हम इसलिए तल रहे हैं क्योंकि ये पूरे ड्राई फ्रूट से घी ठंडा रहता है और ड्राई फ्रूट्स गर्म रहते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है इसीलिए।
गैस ये हमारा घी इतना बच गया है तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, कहीं और यूज करेंगे। और फिर मैंने इलायची के ये दाने लिए हैं, इसको कूट लेंगे और उसको ठंडा होने देंगे जो हमने फ्राई किया था। अभी हम जो गुड़ लिए थे वो काटेंगे। इसको काटना बहुत ही आसान है, ये चाकू से भी ऐसे कट जाता है। जैसे कि ये ठंडा हो गया है तो अभी हम मिक्सी में पीस लेंगे इसको। तो इतना ये लेंगे हम और इसमें फिर थोड़ा सा गुड़ लेंगे। और इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो गाइस जैसे कि ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा महीन नहीं होगा और महीन हमें करना भी नहीं है क्योंकि फिर वो अच्छे नहीं लगते एकदम, तो हमें दरदरा ही रखना है। गाइस ये ऐसे हो गया है, अभी हम इसके लड्डू बांधेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, लड्डू बांधने के पहले। आपको जो साइज चाहिए वो साइज में आप बांध सकते हो। गाइस ये हमारे लड्डू बनकर तैयार है। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।